थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आज की वीडियो में आप क्लेफ्ट पैलेट और क्लेफ्ट लिप यानी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें छोटे बच्चों का तालू और उसके होंठ में कट होना, ये कटा हुआ होंठ या फिर कटा हुआ तालू इस कंडीशन को कहा जाता है। इस कंडीशन से क्या मुराद है और इसकी अलामत बच्चों में क्या जाहिर होती है, जो कि काफी विजिबल सिम्टम होती है, लेकिन इसके अलावा मजीद क्या अलामत बच्चों के अंदर जब इसकी जाहिर होती है। ये पैदाइश के वक्त जाहिर होने वाला एक बर्थ डिफेक्ट है, पैदाइशी नुक्स होता है। क्लेफ्ट लिप यानी कटा हुआ होंठ या होंठ पर कट लगना, ये कंडीशन बच्चों में उस वक्त पैदा होती है जब बच्चे का होंठ दो हिस्सों में तकसीम हो या होंठ खुला हुआ हो। ये खुला हुआ होंठ या तो साइज में छोटा होता है या फिर ये साइज में इतना बड़ा होता है कि ये कट जो है वो ऊपर वाले होंठ से लेकर बच्चे की नाक तक होता है, जो कि काफी विजिबल सिम्टम होती है। दूसरी कंडीशन है क्लेफ्ट पैलेट। ये ऐसी कंडीशन है इसमें तालू में शगाफ या तालू का चिपका हुआ होना या तालू में कट होना। तालू बच्चे का रूफ ऑफ माउथ होता है यानी बच्चे के मुंह की छत कह सकते हैं, ये आम जुबान में इसको ये कह सकते हैं मुंह का ऊपर वाला हिस्सा। ये कंडीशन बच्चों में उस वक्त पैदा होती है जब बच्चे का जिस्म माँ की कोख में बन रहा होता है। इस वक्त बच्चे के मुंह की रूफ ऑफ माउथ यानी मुंह की छत या मुंह का ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वो सही सही और मुकम्मल तौर पर बंद नहीं होता है, यानी बच्चे का तालू बंद नहीं होता है। पैलेट के दो हिस्से होते हैं, इनमें से एक हिस्सा सख्त और दूसरा नरम होता है। इन दोनों में से किसी एक में क्लेफ्ट हो सकता है यानी वो हिस्सा जो वो कटा हुआ होता है। फर्स्ट जो हिस्सा हार्ड पैलेट होता है जो कि सख्त हिस्सा होता है, इसको बोनी पोर्शन कहते हैं। रूफ ऑफ माउथ यानी तालू का सामने वाला हिस्सा होता है। सेकंड जो पार्ट है वो है सॉफ्ट पैलेट, ये मुंह के पीछे की तरफ होता है और ये सॉफ्ट टिश्यू से बना होता है। क्लेफ्ट पैलेट और क्लेफ्ट लिप इन दोनों कंडीशन को ओरियो फेशियल डिफेक्ट्स कहा जाता है, जिसको बर्थ डिफेक्ट्स भी कहते हैं। बर्थ डिफेक्ट्स यानी कुछ जीनियाती तब्दीली की वजह से माँ की कोख के अंदर पैदा होने वाले नकाइस या नुक्स कहते हैं। क्लेफ्ट पैलेट और क्लेफ्ट लिप इस कंडीशन की सिम्टम क्या होती है, इस कंडीशन की वाजह अलामत तालू और होंठ में कट होना इस कंडीशन की विजिबल सिम्टम में शामिल है। ज्यादातर केसेस में छोटे बच्चों में कटा हुआ होंठ क्लेफ्ट कंडीशन के डिफेक्ट यानी नुक्स की एक वाजिया अलामत है। जिन बच्चों को ये कंडीशन होती है इन बच्चों को दूध पिलाते वक्त दूध इनके नाक से बाहर आ जाता है, इसलिए ऐसा होता है कि बच्चे के मुंह और नाक के दरमियान मौजूद जो बैरियर होता है वो एबनॉर्मल होता है, ये नॉर्मल शक्ल में नहीं होता है, जिसकी वजह से ऐसा बच्चों के साथ होता है। इसके अलावा ऐसे बच्चे जिनको क्लेफ्ट की कंडीशन होती है इनको डेंटल प्रॉब्लम्स भी होती हैं, यानी दांतों के मसाइल होते हैं। मिसाल के तौर पर इन बच्चों के दांत कम होंगे तादाद में या फिर दांत जो है वो ज्यादा तादाद में मौजूद होते हैं, यानी दो तरह की कंडीशन होती है, दांत या तो मिसिंग होंगे कम होंगे या फिर एक्स्ट्रा होंगे। क्लेफ्ट पैलेट कंडीशन की वजह से बच्चों में मिडल ईयर इन्फेक्शन यानी कान में इन्फेक्शन हो सकते हैं और यूस्ट्रेकियन ट्यूब में मसाइल पैदा करने की वजह बनते हैं। यूस्ट्रेकियन ट्यूब इंसान के कान में जाने वाले पानी को बाहर निकालने में मदद देती है और इसके अलावा इन ट्यूब के काम में फंक्शन में ये चीज शामिल है कि ये कान के जो ईयर ड्रम होते हैं, कान के जो पर्दे होते हैं, इनके दोनों साइड में बराबर प्रेशर डालना इनका काम होता है। अगर आपके बच्चे में ईयर इन्फेक्शन हो और इनके कान की यूस्ट्रेकियन ट्यूब्स ये ट्यूब जब कान में मौजूद पानी को अच्छे से बाहर नहीं निकाल पाती हैं, तो इन दोनों कंडीशन यानी ईयर इन्फेक्शन यूस्ट्रेकियन ट्यूब्स की वजह से बच्चों में बहरापन पैदा होगा। यानी इनमें से कोई भी अगर कंडीशन होती है जो कि क्लेफ्ट से स्टार्ट होती है, क्लेफ्ट से आगे ये मजीद इन्फेक्शन की वजह बनती है और इन्फेक्शन आगे मजीद एक और कंडीशन को पैदा करते हैं जो कि बहरापन बच्चों में पैदा होता है, जो कि काफी कॉम्प्लिकेशंस कंडीशन है बच्चों के लिए। इन्हें एक जिनियाती तौर पर एक कंडीशन पैदा होगी वो आगे मजीद इन्फेक्शन की वजह बनती है जो कि आगे मजीद और कंडीशन को पैदा करने की वजह बनते हैं। इन दोनों की वजह से बच्चे कूफते समात से महरूम हो जाते हैं, बच्चे कोई भी लफ्ज सुन नहीं पाते हैं। ऐसे बच्चे जिनको क्लेफ्ट की कंडीशन होती है ऐसे बच्चों को बात करने में भी काफी मुश्किल पेश आती है, जो कि इस कंडीशन के सिम्टम में शामिल है। लेकिन स्पीच प्रॉब्लम के केसेस ऐसे बच्चे जिनके क्लेफ्ट लिप हो यानी होंठ पर कट हो, इन बच्चों की निस्बत ऐसे बच्चे जिनको क्लेफ्ट पैलेट हो यानी इनके तालू पर कट लगा हो, इन बच्चों को बोलने में मुश्किल पेश आती है और इन बच्चों में ये प्रॉब्लम जो है वो आम पाई जाती है बनिस्बत कटे हुए होंठ के। क्लेफ्ट की वजह से होने वाली स्पीच प्रॉब्लम में बच्चों के बोलने के दौरान जो आवाज पैदा होती है वो नाक से आती हुई महसूस होती है, यानी ऐसे बच्चों की नेजल वॉइस होती है और ये कंडीशन जो है वो
क्लेफ पैलेट यानी कटे हुए तालू वाले बच्चों में आम पाई जाती है, लेकिन जिन बच्चों के होंठ पर कट होता है ऐसे बच्चों को स्पीच प्रॉब्लम ज्यादा नहीं होती है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, अगर आपको वीडियो वैल्यूएबल लगी है, कोई बात सीखने को मिली है, कोई बात देखो अच्छी लगी है, और अगर इस वीडियो को बनाने के एफर्ट्स है उसको अप्रिशिएट करना चाहे तो इसके लिए वीडियो को लाजमी लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और मजीद वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।